बाबा रामदेव जी नहीं है, वो लाला रामदेव। सरकार और कई लोगों के सहयोग से उनका केस वापस हुआ, तो ये तो उनकी पुरानी आदत है। देखिए, महंगाई जो मई में अप्रैल में था 4.63 और मई में हो गया 6.83। बाबा रामदेव जी नहीं है, वो लाला रामदेव। और आपको जानकारी होगा कि उन्होंने कई बार इस तरह के भ्रम फैलाने का काम किया, जिसका उनको न्यायालय में लोगों ने जाकर के उनके खिलाफ मुकदमा किए। इसके पहले भी वो दलितों के बारे में उनकी जो दृष्टि रही, उस पर भी उनको मुकदमा हुआ था। बाद में सरकार और कई लोगों के सहयोग से उनका केस वापस हुआ, तो ये तो उनकी पुरानी आदत है। आयुर्वेद तो हमारी भारत की संस्कृति रही, हमारे भारत का एक ही किया हुआ, लेकिन उस आयुर्वेद को व्यवसाय ढंग से और उसमें कई तरह की चीजें करके उसको बदनाम करने का काम बाबा रामदेव जी के द्वारा हुआ। एलोपैथी भी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, होम्योपैथी भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, यूनानी भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आयुर्वेद भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन एक दूसरे के प्रति कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि हर का अलग अलग है। और एलोपैथी को बदनाम करके अपनी दुकानदारी चमकाना, ये लाला रामदेव जी की पुरानी परंपरा रही है। उसके खिलाफ जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा पूरा समर्थन। जो ये नीतीश कुमार जी जब से भारतीय जनता पार्टी के चंगुल में फंसे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से भ्रष्टाचारी की सब रही है जननी, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, चाहे जो भी लोग नाम ले ले, बैंकों को बेच दिया, रिजर्व बैंक को खस्ता हाल कर दिया, सारे जो हमारे जो पब्लिक सेक्टर के जो सेंटर रहे सबको उन्होंने बेचने की ताकत लगा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि बिहार, ये भारत पेट्रोलियम को भी जिसका कीमत है, जितना लाभ दे रहा है, उससे भी कम में वो बेच दिया। तो ये तो काम रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और तर्कों के द्वारा और उनके साथ जो बूदी मीडिया है उनके समर्थन कर करके और उसको वो लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। मैंने शुरू में ही कहा था, यहाँ जांच नहीं हो रही है, यहाँ वैक्सीन नहीं लग रहा है। अभी तक वैक्सीन भी 2% लोगों से ज्यादा बिहार में नहीं लगा है। वो आंकड़ा हमारा नहीं, सरकार का ही आंकड़ा है, 2% लोग। और ये लंबा लंबा हाँक रहे हैं, 1 करोड़ लोगों को हम प्रतिदिन वैक्सीन लगाने का काम करेंगे। अभी आया है कि 6 लाख लोगों को जगह 1 लाख लोगों को ही वैक्सीन लगा। तो उसी तरह से RTPS, मुख्यमंत्री जी की वो बात को याद रखिए, उन्होंने कहा था कि RTPS जांच होगी और 24 घंटे के अंदर उसका रिपोर्ट दिया जाएगा। इसी को 24 घंटे के अंदर नहीं मिला, 5 दिन 7 दिन 10 दिन के बाद वो रिपोर्ट मिलने लगा। और अभी तो वैन जो खोला गया जांच के लिए, उसमें तो प्राइवेट सेक्टर के लोगों को, जो उनके जो पिछलग्गू थे, जो उनके सहयोगी थे, या ये कहिए कि उनके जो पार्टनर थे, उनके माध्यम से उस वैन को खोला गया। और इसमें एक बड़ा घोटाला हुआ है, अगर इसको खोला जाए RTPS के सवाल को, वैक्सीन के सवाल को, ऑक्सीजन के सवाल पर, तो बड़ा घोटाला हुआ। ये सरकार घोटालों पर ही जीवित है। देखिए, महंगाई जो मई में अप्रैल में था 4.63 और मई में हो गया 6.83। महंगाई, खुदरा महंगाई दर बढ़ते जा रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, आपको डीजल का दाम बढ़ रहा है, सरसों तेल का दाम बढ़ रहा है, और महंगाई से आम जनता परेशान है। और राष्ट्रीय जनता दल इसके लिए पूरे रूप से लड़ाई लड़ने के लिए, और तमाम विपक्ष पूरे रूप से तैयार है, लेकिन कोरोना काल के कारण जो संकट रहा है, जो डायरेक्टिव रहा है सरकार का, उस प्रोटोकॉल को हमको पालन भी करना है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे आंदोलन से इस तरह का बदनाम करने की साजिश की जाए। हम लोगों ने बेरोजगारी के सवाल पर लड़ाई लड़ा, तो कोरोना के नाम पर हम लोगों को बदनाम किया गया, लेकिन हम लोगों ने तो दूरी के साथ, सही के साथ हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। आज फिर कोरोना संकट के समय है, इस समय इस तरह की बात, लेकिन हम लोग उस लड़ाई की रणनीति तैयार कर रहे हैं, और उस पर हम लोगों ने कई तरह से, कई फेज की लड़ाई है, उसमें हम लोग लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। जनता के सवालों को लेकर के हम एकजुट हैं और एकजुटता के साथ लड़ाई करें। देखिए, दलितों की पार्टी, पिछड़ों की पार्टी, गरीबों की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, और उसी के सवाल उठाते रही है। लालू यादव की जब सरकार बनी 1990 में, तो वो दलितों को ही
सवाल को लेकर के, पिछड़ों के सवाल को लेकर करके, अकलियतों के सवाल को लेकर करके वो लड़ाई लड़ते रहे, और उसका उन्होंने को जो बड़े लोग थे उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा। लेकिन किसी दल को आप कहते हैं तो हम उसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन ठीक है एक जो उनके अनुयायी हैं चिराग पासवान जी के, जो रामविलास पासवान जी के, वो सीधे रूप से ट्रांसफर हो गया चिराग पासवान जी के। लाख लोग चले जाए, साजिश कर ले, साजिश का कोई लाभ उन लोगों को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में जनता भी बताएगी और न्यायालय में भी जब जा रहे हैं। संविधान से चलता है कोई संगठन, संविधान से चलता है देश, तो ये लोग तो देश के संविधान में विश्वास से नहीं कर रहे हैं, तो दल के संविधान पर कहाँ से विश्वास करेंगे। याद होगा जनता दल में भी जब हम को कहा गया कि निकाला है तो हमने संविधान की हवाला दिया था, उसका जवाब जनता दल ने आज तक नहीं दिया। तो यही बात है, ये तो सब लोगों का एक गठजोड़ है, वहां भी संविधान का धारा है, जो लोजपा के जैसा चिराग पासवान जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, उन्होंने कहा कि संविधान लोजपा के संविधान की धारा 19(1) में कहीं नहीं है कि कोई आदमी कार्य समिति के बैठक बुला सकता है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बुलाए, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जब तक अपने मन के अनुसार या अपने जीवन में तब तक है तब तक वो ही रहेगा, जैसा उनका संविधान है। अब उसके समर्थन उसका विरोध का अलग सवाल है, लेकिन ये उनका संविधान है, तो संविधान के ही खिलाफ करने वाले लोग संविधान की वकालत कैसे कर सकते हैं। और दलित की जहाँ तक बात है तो राष्ट्रीय जनता दल है, और हम चिराग पासवान का भी सम्मान करते हैं कि दलितों की वो लड़ाई लड़े, और हम लोग सब मिल करके इस जो संप्रदाय फैलाने वाले लोग, ये जो दलितों को अवनति करने वाले लोग के खिलाफ एकजुट लड़ाई लड़ने का काम। आरजेडी का दिल लोजपा के साथ, चिराग के साथ, आरजेडी के साथ है। जो भी आरजेडी के मूल्यों पर लड़ाई लड़ना चाहेगा उनका हम स्वागत करते हैं। हम मूल्य की लड़ाई लड़ते हैं, विचार की लड़ाई लड़ते हैं, और विचारों पर कोई समझौता नहीं करते। जो लोग इस मूल्य के लिए आना चाहेंगे, चाहे कोई हो, वो आए, हम उनका स्वागत करें। सर, पेट्रोल डीजल के दाम सेंचुरी पार कर गए, केंद्र सरकार को बधाई देंगे? केंद्र सरकार को तो बधाई देना ही है, क्योंकि पेट्रोल जो है जो अभी बल्लेबाजी कर रहा है उसे पेट्रोल 100 से भी ज्यादा हो गया, शतक मार दिया, सरसों तेल डबल सेंचुरी मार दिया, डीजल भी है अब सेंचुरी के पास में ही है, तो उनको तो बधाई देना ही चाहिए, क्योंकि वो तो जनता की पार्टी नहीं है, वो तो उन पूंजीपातियों की पार्टी है, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, चाहे वो नीरव मोदी हो, ये लोगों की पार्टी है। तो ये तो पूंजीपतियों की चौकीदार, पूंजीपतियों के चौकीदार, ये कहते हैं कि हम देश के चौकीदार हैं, देश के चौकीदार नहीं है, जनता के चौकीदार नहीं है, ये उन पूंजीवादियों के चौकीदार हैं। तो ये चौकीदार जो अपनी भूमिका वो सही निभा रहे हैं, ये जनता के लिए थोड़े हैं, जो जिसके लिए वो चौकीदारी कर रहे हैं उसके लिए वो काम कर रहे हैं।